बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। जी हाँ नाज़रीन, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम एक मौका, आप और आपके सवाल। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी चंद दिन की होती है और इसी चंद दिन की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं जो हमेशा हमें याद रह जाते हैं। तो नाज़रीन, इसी एक मौका को हमेशा यादगार बनाने के लिए हमारे साथ नागपुर से मुंबई आई एक मौका में हिस्सा लेने के लिए हुसैनी फातिमा। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुसैनी फातिमा, आपको सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि आप भी जो हैं हमें अपने सवाल भेजी और आपके सवाल आज जो हैं जो टीम चैनल इनकी टीम थी उसने सिलेक्ट किया और आपको आज मुंबई आना पड़ा। तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं चैनल विन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उसने मुझे और मेरे सवालात को इस काबिल समझा कि मैं यहाँ खुद आकर मौलाना साहब से अपने जवाबात हासिल करूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आपने हमको चैनल विन को काबिल समझा तो इसी तरीके के आप जो सवाल भेजी थी वो सवाल भी बेहतरीन थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो सवालात पूछने जा रही हैं उसके जवाब आपको पूरी तरीके से मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप करती क्या हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है? अभी मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया है और दीनी तालीम हासिल करती हूँ। चूँकि मैं दीनी तालीम हासिल करती हूँ इसलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए। कि तालिबे इल्म की ज़िंदगी में उस्ताद बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल। बस इसी तरह चैनल विन भी एक उस्ताद ही का फरीज़ा अंजाम दे रहा है। इसलिए मैं चैनल विन की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने चैनल विन को हमारे और हम जैसे कई तालिबे इल्म के सामने एक उस्ताद जैसा पेश किया है, इसलिए मैं सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हुसैनी फातिमा, आपने जो जुमला इस्तेमाल किया है यकीनन वो काबिले तारीफ है। वो एक ऐसा जुमला कि एक उस्ताद का बहुत अहम रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप तशरीफ़ रखें यहाँ पर, आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं आलिम को बुलाने चाह रहा हूँ। जब तक आप तशरीफ़ रख सकती हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, हुसैनी फातिमा के सवाल का जवाब देने के लिए अब हम आवाज़ देने जा रहे हैं जामे अमीर अल मोमिनीन नजफ़ी हाउस के प्रोफेसर यानी टीचर जो लोगों को तालीम देते हैं, तो उनका इस्तकबाल करते हैं। उनका नाम है सैयद मौलाना कैसर साहब। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले मैं अदा करना चाहूँगा क्योंकि हमें इस बात की जो है पूरी मालूमात है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ होते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं कि आप टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन फिर भी आपने एक मौका के लिए टाइम निकाला, हमें बहुत खुशी हुई। मैं खुद अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ उसकी इस तौफीक पर। अच्छा मौलाना साहब, जो हमारा ये प्रोग्राम एक मौका है इसके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा, ये चैनल उनकी एक नई कोशिश है। इसमें जो है ऑल इंडिया से अगर आप देखें तो जो है कोई भी मज़हब का मानने वाला और कहीं पे भी रहने वाला हो यहाँ चैनल विन पे आ रहा है अपने सवाल डायरेक्ट पूछने के लिए। तो आप, हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम एक मौका के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे। देखें, यूँ तो आपके जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो सब भी काबिले तारीफ़ हैं जी और लोगों ने पसंद किए। अभी आपने एक नया काम शुरू किया है और मैं समझता हूँ लोगों ने इसे भी पसंद किया होगा और करेंगे जी। बाद में इसके बारे में मालूम होगा। इसमें आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा, और इसमें तो ये खुदा की एक तौफीक है जो आपको हासिल हुई है। इस तरीके से यकीनन आपको भी मौका मिलेगा मज़ीद खिदमत करने का, लोगों को भी और ज़्यादा इस्तेफादा करने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसमें आपको, आपकी सारी टीम को कामयाबी अता करे परवरदगार आलम और इस अमल को कबूल करे। जी मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन तरीके से हमारे प्रोग्राम के बारे में कहा और उम्मीद भी करता हूँ कि मौलाना साहब ने जो कहा उस पर लोग अमल भी करेंगे कि अपने सवालात हमें भेजेंगे, हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे। मौलाना साहब, पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, आप यहाँ तशरीफ़ रख सकते हैं। मौलाना साहब, ये हुसैनी फातिमा हैं जो नागपुर से आई हैं अपने सवालात लेकर, जो आपसे जवाब चाहती हैं। तो इंशाल्लाह हम भी ये उम्मीद करेंगे, जो हमारे नाज़रीन टीवी के उस पार हैं वो भी ये उम्मीद करेंगे कि इनके जो सवाल हैं उसके जवाब बेहतरीन हों और इंशाल्लाह ये मुतमईन भी हों। तो जी हाँ नाज़रीन, मैं आपसे मुलाकात करता हूँ इस सवाल और जवाब के सिलसिले के बाद। देखते रहिए चैनल विन। सलामुन अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मौलाना साहब, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ कि आप मेरे सवालात के जवाबात के लिए यहाँ तशरीफ लाए। मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दौलत और इल्म के दरमियान क्या फ़र्क है? आया इस बारे में अइमा अलैहिस्सलाम की कोई हदीस मौजूद है? माशाल्लाह, अच्छा सवाल है।
और इल्म के सिलसिले में आपका सवाल है, और इससे पता चलता है कि आपको इल्म हासिल करने और इल्म से दिलचस्पी है। खुदावंद आलम आपके तौफीकात में इजाफ़ा करे। यकीनन इल्म और दौलत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सबसे पहली बात तो ये कि इल्म एक मानवी शय है, रूहानी नेमत है, और दौलत एक मादी नेमत है। अल्बत्ता परवरदगार आलम की ये दौलत दी हुई, माल दिया हुआ, ये सब खुदावंद आलम का, लेकिन बहरहाल अगर इसका मुकाबला मुकायसा इल्म से किया जाएगा तो यकीनन इल्म का दर्जा बहुत बुलंद है निस्बत ब माल के। माल के बारे में रिवायतों में हमारे यहाँ बहुत, और इल्म के बारे में भी बहुत रिवायतें पाई जाती हैं। अगर आप इसको मुकायसा करना चाहें तो हमारे यहाँ रिवायतों में सिलसिले में मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से एक रिवायत नक़ल हुई है, और ये रिवायत मुख्तलिफ एतबार से नक़ल हुई है, जिसमें आपने इल्म और माल के बारे में लोगों को मुतवज्जे किया है कि क्या फ़र्क है। और इसी बात से अंदाज़ा लगता है कि हम सबको इल्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो करना चाहिए निस्बत ब माल के, इसलिए कि ये रिवायत कई तरीक़े से है। मसलन मौलाए कायनात तशरीफ़ फरमा थे, एक शख्स आता है और आने के बाद दरियाफ़ करता है मौला कि इल्म और माल में क्या फ़र्क है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म और माल में सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि इल्म जो है वो अम्बिया की मीरास है, खुदावंद आलम ने अम्बिया को इल्म दिया है, और माल जो है ये फराना फिरौनों की मीरास है। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो शख्स बैठ गया, दूसरा शख्स वारिद होता है, वारिद होने के बाद वो सवाल करता है कि मौला बताइए कि इल्म और माल में क्या फ़र्क है। तो इमाम ने फरमाया कि इल्म और माल में फ़र्क ये है कि माल खर्च करने से घटता है, लेकिन इल्म को जितना फैलाया जाएगा इल्म में इजाफ़ा होता है, इल्म में कमी नहीं होती। उसके बाद वो शख्स बैठ गया, तीसरा शख्स आया, वही सवाल किया मौला से, और इमाम ने अलग जवाब दिया। यानी आप देखें कि आने वाला सवाल करता जा रहा है, एक ही सवाल है मगर मौला हर एक को मुख्तलिफ जवाब देते हैं। तो तीसरा शख्स आता है, तो मौला बताइए माल और इल्म में क्या फ़र्क है। तो इमाम ने फरमाया कि माल वो है कि जिसकी इंसान हिफाजत करता है, लेकिन इल्म वो है कि जिसके पास आ जाता है इल्म ख़ुद उसकी हिफाजत करता है। ये फ़र्क है इल्म और माल में। उसके बाद तीसरा चौथा शख्स आता है, आता जाता है, इसी तरीके से आते गए, सवालात करते गए, मौला हर एक के लिए मुख्तलिफ जवाब देते रहे। मसलन एक शख्स आया, फिर उसने सवाल ये किया कि मौला क्या फ़र्क है इल्म और माल में। तो इमाम ने फरमाया कि माल दुनिया में छोड़ के जाओगे, बहुत ज़्यादा अगर तुम्हारे काम आएगा तो कब्र तक काम आएगा, लेकिन जो चीज़ कब्र के अंदर जाने वाली है वो है इल्म। इसका मतलब ये कि हमें इल्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। माल हमारे लिए इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कब्र तक काम आने वाला है, साथ देने वाला, लेकिन उसके बाद जो चीज़ काम आने वाली है वो है इल्म, वो है मारिफत, लिहाजा हमें इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो ये फ़र्क रिवायतों में हमारे यहाँ बयान किया गया है। मौलाना साहब, आज देखा जाए तो हर लोग इल्म से इल्म की वजह से दौलत कमा रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या नसीहत करना चाहेंगे? देखिए, मैं नसीहत करूँगा, खुद एक फ़र्क मौला से एक सवाल किया गया इसी इल्म और माल के बारे में, तो एक जवाब दिया जो मौला ने, मैं उसी से इस जवाब को पूरा मुकम्मल करना चाहता हूँ कि एक शख्स ने फिर आके पूछा कि माल और इल्म में क्या फ़र्क है। तो इमाम ने फरमाया कि माल वो है कि जो दुनिया में मोमिन, काफिर, मुनाफिक हर एक हासिल करता है, लेकिन इल्म सिर्फ मोमिन को मिलता है। लिहाजा दुनिया में यकीनन अच्छे लोगों की तादाद कम है, जब कम है तो इल्म की तरफ तवज्जो भी लोगों की कम होगी। यहाँ मसला ये है कि लोग क्यों बढ़ रहे हैं माल की तरफ ज़्यादा, इसलिए बढ़ रहे हैं कि वो दुनिया में, दुनिया की मादी चीज़ों में
वो जो चीज़ देख रहे हैं उनको वो ज़ाहिरी निगाह से नज़र आती है, लेकिन अगर वाकई और बातनी निगाह से देखें तो इल्म जो हकायक हैं वो माल में नहीं पाए जाते हैं। लिहाजा हमें ज़ाहिरी चमक दमक में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें इल्म की रोशनी की तरफ बढ़ना चाहिए। जब इल्म की तरफ बढ़ेंगे तो ख़ुद ये महसूस होगा कि इल्म की कितनी फजीलत है, और लोग फिर जो है वो माल छोड़ करके, न ये कि छोड़ करके, माल को भी दुनिया से हमको अपना हिस्सा लेना है, ऐसा भी नहीं है कि माल को छोड़ देना चाहिए। मैं बगैर माल के जो है वो दुनिया में ज़िंदगी भी नहीं बसर कर सकता, लेकिन यह कि अपनी ज़िंदगी में इल्म को ज़्यादा मुकद्दम करना चाहिए हर इंसान को। नन साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि तौबा के माना क्या है और वो इंसान पर मानवी लिहाज से क्या असरात मुरतब करता है? सही, तौबा देखें, हमारे यहाँ तौबा का मतलब है पशेमानी के और निदामत के। ख़ुद मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुकिर्रुज़्ज़ुनूब तायबुन, कि जो शख्स गुनाहों का इकरार करता है और गुनाहों का एतराफ़ करता है वही तौबा करने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? जो शख्स अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है बारगाह परवरदगार में, गोया ये तौबा कर रहा है। वरना अगर इंसान तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, लेकिन दिल में पशेमानी ना हो, नफ्स के अंदर उसकी निदामत ना हो कि जो मैंने किया है बुरा किया है, तो लाख तौबा करता रहे, उसका तौबे का कोई माना नहीं होगा अल्लाह की निगाह में। इसलिए कि तौबा का मतलब होता है परवरदगार आलम की बारगाह में जो चीज़ किया है उसके ऊपर पशेमान हो, नादिम को अब दोबारा उस गुनाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे। इसीलिए हमारे यहाँ ये बात है, कुरान करीम में भी है कि तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, अल्लाह की बारगाह में एक ऐसी तौबा, यानी वो तौबा कि जिसके करने के बाद दोबारा फिर उस गुनाह की तरफ मुतवज्जे न हो, सच्चे दिल से तौबा करता है। अब इसका असर क्या होता है? देखें, तौबा का असर यकीनन रूहानी एतबार से इंसान के नफ्स के ऊपर, इंसान के दिल के ऊपर ये पड़ता है कि जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है फिर उसके नफ्स में और ज़मीर में बेदारी पैदा हो जाती है, और वो ये समझ लेता है कि मैंने तौबा कर लिया है और तौबा से पहले मैंने कितना बड़ा गुनाह किया था। इस नफ्स ने हमें अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत पर आमादा किया, कितना बड़ा गुनाह किया। अब जब इंसान तौबा कर लेता है नदामत के साथ, पशेमानी के साथ, तो फिर उसे उस गुनाह की तरफ दोबारा मुतवज्जे होने की हिम्मत और जुरत नहीं होती है। अलबत्ता अगर ख़ुद इंसान इस नफ्स की तरफ मुतवज्जे हो तो उसे इसका एहसास होता है कि जो किया उसने गुनाह किया है, बुरा किया है, अच्छा नहीं किया है। ये वजह है कि आप देखें दुनिया में बहुत से अफराद हैं कि जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल लेते हैं, कोई उन्हें मना करने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, न किसी ने उन्हें टोका, कुछ भी नहीं, मगर ख़ुद वो महसूस करते हैं कि मैंने गलत किया है, ख़ुद वो महसूस करते हैं कि हमने बहुत ही ये बुरा काम किया है। तो ये जो महसूस करना कि मैंने बुरा काम किया है, ये अल्लाह ताला ने हर नफ्स में इंसान के रखा है। अब उसे चाहिए कि इस नफ्स की आवाज़ और ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह की बारगाह में आए और तौबा कर ले, और जब तौबा कर लेगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाह खुद खुदा कहता है कि तुम तौबा करो, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। इन्नल्लाहा युहिब्बुत्तौवाबीन, तौबा करने वालों को अल्लाह ताला दोस्त रखता है। तो ये असर होता है कि फिर दोबारा इंसान उस गुनाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता है। और चूँकि गुनाह होता ही इसलिए है कि इंसान के नफ्स में, इंसान के दिल में गफलत पैदा होती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो जब गफलत पैदा होती है तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है, लेकिन जब तौबा कर लेता है, तौबा के ज़रिए से जब तवज्जो अल्लाह की जानिब हर वक्त होगी तो कभी अल्लाह के हुक्म की मुखालफत नहीं करेगा। इसलिए इंसान को हर वजह से लेके हर इंसान गुनहगार होता है, ऐसा नहीं कोई इंसान कहे कि मैं मासूम हूँ सिवाए चारदा मासूमीन अम्बिया अलैहिस्सलाम के, मगर ये कि जब इंसान गुनाह करे और अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करे तो कबल इसके कि अल्लाह ताला उसके गुनाह का हिसाब करे या दुनिया से चला जाए, उसे अल्लाह की बारगाह में आके तौबा इस्तग़फ़ार कर लेना चाहिए और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर सकता है। मौलाना साहब, जैसा कि अभी आपने कहा
कि अगर कोई इंसान तौबा करे तो खुदावंद आलम उसे माफ़ कर देगा, लेकिन लोग ये कहते हैं बार बार गुनाह का इर्तकाब करते और ये सोचते हैं कि खुदावंद आलम बड़ा ही गफूर और रहीम है, वो हमें माफ़ कर देगा, तो आप उनको क्या नसीहत करना चाहेंगे? नहीं, देखें, अल्लाह ने, मैंने इसीलिए दरमियान में कुरान करीम की इस आयत का हवाला दिया कि खुदा फरमाता है कि तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, तौबे नसूह करने का हुक्म दे रहा है। तौबे नसूह का मतलब मैंने ये बताया कि जब किसी गुनाह से नादिम हो करके, पशेमान हो करके अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार तौबा कर रहे हैं, तो अब दोबारा उस गुनाह की तरफ न जाएं, न पलटें, इसे कहते हैं तौबे नसूह। वरना अगर गुनाह करते गए फिर तौबा किया फिर गुनाह किया फिर तौबा, ये मजाक है। ये अल्लाह ताला से गोया मैं ये कह रहा, परवरदगार मैं नादिम हूँ, पशेमान हूँ, अब गुनाह नहीं करूँगा, उसके बाद फिर जाता है गुनाह करता है, फिर आता अल्लाह ताला मैं नादिम हूँ, पशेमान हूँ, गुनाह नहीं करूँगा, फिर दोबारा जाता है गुनाह करने। ये तो बच्चों की हरकत होती है, ये अच्छा नहीं है। खुदा ने जो हुक्म दिया है वो उस तौबे के कि जिसके बाद फिर गुनाह न करे। बड़ा ही बेहतरीन जवाब था मौलाना साहब। मेरा सवाल ये है कि इबादत के हकीकी माना क्या है? क्या सिर्फ खुदा की हमदो सना और उसकी तस्बीह में मशगूल रहना ही खुदा की इबादत है? नहीं, देखें, इस सिलसिले में इबादत के बहस में तो बहुत ही एतकादी इल्मी बहस है, उन बहस को मैं तफसीली तौर से यहाँ पर नहीं जिक्र करना चाहता हूँ। लेकिन ये कि इबादत का मतलब जो मफहूम है और हकीकी माना जो इबादत का है वो ये कि परवरदगार आलम की बारगाह में खुदा वंदे आलम की ज़ात के सामने, यानी ज़ात परवरदगार के लिए इजहार खुजू करना, खुदा वंदे आलम को अल्लाह मान के, तस्लीम करके खुदा को कि ये खुदा है, उसके सामने इजहार खुजू, इजहार तजल्लुल, इंतहाई गायत तजल्लुल कहा गया, इंतहाई खुजू खुशू के साथ अल्लाह के सामने पेश आना, उसे कहते हैं इबादत। तो अगर ये जज्बा और ये एहसास किसी भी अमल के साथ है, अलबत्ता ये एहसास ना हो कि ये खुदा है, वरना अगर ये एहसास हो जाएगा कि मैं इसका एहतराम कर रहा हूँ इसलिए कि ये खुदा है, तो शिर्क हो जाएगा। वरना खुदा वंदे आलम ने माँ बाप के एहतराम का हुक्म दिया है, उस्ताद के एहतराम का हुक्म दिया गया है, तो ये एहतराम भी है, ये इंतहाई खुजू के साथ पेश आना है। मगर हर खुजू के साथ, हर जो है वो एहतराम के साथ पेश आने को इबादत नहीं कहते। इबादत कहते हैं जिसके सामने इजहार खुजू व खुशू कर रहे हैं, तवाज़ो से पेश आ रहे हैं, उसे खुदा तसव्वुर करके। लेकिन अगर हुक्म खुदा से इजहार खुजू हो मगर हुक्म खुदा से खुदा की खातिर हो, खुदा के लिए हो, खुदा समझ के ना हो, खुदा के लिए, खुदा की खातिर, खुदा के हुक्म से अगर कोई चीज़ एहतराम के लायक करार दी जा रही है तो वो भी इबादत है। जैसे परवरदगार आलम ने हुक्म दिया मलाइका को कि आदम को सजदा करें, तो यहाँ इजहार मलाइका ने इजहार खुजू किया, सजदा किया, गैर खुदा को किया है, मगर आदम के लिए जो सजदा मलाइका ने किया, फरिश्तों ने किया, ये खुदा के हुक्म की खातिर किया था। और हुक्म खुदा के खातिर अगर कोई भी चीज़ अंजाम दी जाती है तो उसे शिर्क नहीं कहते, उसे इबादत कहते हैं। अब आप दुनिया में आ जाइए, कोई भी काम हम कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, दीगर काम अंजाम दे रहे हैं, सदका दे रहे हैं, ये सब खुदा के खातिर कर इबादत है। इसी तरीके से बाल बच्चों की जो है वो तरबियत है, उनके माश की तलाश है, और इसी तरीके से अपने उमूर की इस्लाह है, खुदा की खातिर। इस्लाम में कुर्बतन इलल्लाह को इसीलिए अहमियत दी गई है कि तुम जो कुछ काम करो, जो कुछ अंजाम दो, वो परवरदगार आलम की खातिर हो। तो जो काम अल्लाह के लिए होगा उसमें यकीनन अजर है, सवाब है, और इबादत का सवाब उसमें मिलता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, सिर्फ जो है वो तस्बीह करना इबादत नहीं है, सिर्फ जो है वो जिक्र परवरदगार करना इबादत नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं जिक्र खुदा करना भी इबादत है, तस्बीह पढ़ना भी इबादत है, नमाज पढ़ना भी इबादत है। तो इस उनवान में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, खुदा की खातिर जिस काम को अंजाम दिया जाए वो इबादत में आता है। जी शुक्रिया मौलाना साहब, आपने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है
कि आया इंसान को शोहरत व इज्जत ही कामयाब बना सकती है या कुरान मजीद ने किसे कामयाब इंसान कहा है? देखिए, शोहरत और इज्जत ये दुनिया वालों की निगाह में तो शायद मेयार बन सकती है, मगर इस्लाम और कुरान की निगाह में शोहरत और इज्जत कामयाबी का मेयार नहीं है, हरगिज़ नहीं है। इसलिए कि शोहरत इंसान इस दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों से हासिल कर सकता है, मगर इंसान इंसान शोहरत से नहीं बनता है, या इंसान ज़ाहिरी इज्जत से नहीं, वो तो इज्जत अल्लाह देने वाला है। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, परवरदगार आलम इज्जत देने वाला है, और इसी तरीके से ज़िल्लत भी अगर है तो दूसरे अगर जलील करते हैं, वो जलील जलील होना नहीं है, खुदा जिसे जलील करे उसे रुसवाई कहते हैं, उसे ज़िल्लत कहते हैं। कुरान करीम में अगर आप देखें कि किसे कामयाब कहा गया है, तो कुरान करीम में बहुत से मकामात पर कामयाबी के मकामात को शुमार किया गया है। मसलन जो कहा गया है कि जो अमर बिलमारूफ़ नहीं अज़ मुनकर करते हैं, उलाएका हुमुल मुफ्लिहून, जो लोग अमर बिलमारूफ़ नहीं अज़ मुनकर करते हैं ये वही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। या मसलन खुदावंद आलम फरमाता है कि हिज़्बुल्लाह, अल्लाह के हिज़्ब यानी अल्लाह का गरोह यानी अल्लाह वाले, हुमुल मुफ्लिहून, यही कामयाब हैं, अल्लाह वाले कामयाब हैं। अल्लाह वाले कामयाब का मतलब क्या? उनकी ज़िंदगी का मेयार, उनकी इज्जत का मेयार, उनकी शोहरत का मेयार, वो सब अल्लाह हो। अगर उनकी शोहरत का मेयार, ज़िंदगी का मेयार, सब कुछ उन्होंने अल्लाह को करार दिया है, तो यकीनन ये कामयाब इंसान है। लेकिन अगर शोहरत को ही उसने मेयार करार दे दिया है अपनी ज़ाती पसंद की बुनियाद पर, या अपनी पसंद की बुनियाद पर कोई इज्जत है उसी को उसने मेयार करार दिया है, तो ये उसके कामयाबी का मेयार नहीं बन सकता है। दूसरी जगह कुरान करीम ने कहा जो कामयाब हैं, मसलन कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग के जो अपनी नमाज़ों में खुशू खुजू रखते हैं, यही मोमिनीन कामयाब हैं। तो वो के जो नेकी के रास्ते के ऊपर चलते हैं, जो नेकी के ज़रिए ऊपर जाते हैं, वो लोग कामयाब हैं। मौलाना साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि तज़किया नफ्स क्या है, क्या ये हर मुसलमान पर वाजिब है? बेशक, तज़किया नफ्स का मतलब ये होता है कि अपने नफ्स को पाक व पाकीज़ा करार देना, अपने नफ्स को तमाम आलूदगियों से दूर करना। तज़किया नफ्स वो है कि जिसके लिए खुद खुदावंद आलम ने अपने आखिरी पैगंबर को जब भेजा तो उस पैगंबर के वज़ायफ में करार दिया है तज़किया नफ्स। इरशाद व हुवल्लज़ी बाअसफिल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयाते व यज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब व यज़क्कीहिम, तज़किया नफूस, लोगों के नफ्सों को पाक बनाना एक वजीफ़ा पैगंबर इस्लाम का ये भी था, जहाँ किताब की तालीम देना, हिकमत की तालीम देना, आयात खुदा की तिलावत, वहीं पर नफ्सों को पाक बनाना। तो नफ्स को पाकीज़ा बनाना यकीनन ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है हर मुसलमान के लिए, और अगर इंसान आज की दुनिया में ख़ास तौर से अपने नफ्स को पाक बना ले तो फिर उसे और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि यही नफ्स है कि जहाँ सारी बुराइयाँ, सारी गंदगियाँ, आलूदगियाँ जमा होती हैं। अलबत्त हम समझते हैं कि ये नफ्स गंदा हो गया, जैसे कोई कपड़ा गंदा हो जाता है, बदन गंदा हो जाता है, तो ये कोई ऐसी गंदगी नहीं है कि जो कपड़ा गंदा हो गया तो साबुन से धुल दिया, साफ़ हो गया पानी से, नहीं। नफ्स गंदा होता है दुश्मनी से, हसद से, तकब्बुर से, गुरूर से, कीना से, इंतकाम से, ये सारी चीज़ें हैं, ये आलूदगी है, यह नजासत है। अगर ये चीज़ें नफ्स के अंदर पाई जाएंगी तो नफ्स गंदा है, इन्हीं चीज़ों को दूर कर देना तज़किया नफ्स कहा जाता है। और हम सबको चाहिए कि अपने नफ्स को पाक व पाकीज़ा करार दें, उस नफ्स में खुदा की मोहब्बत, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को करार दें, और जब अहले बैत की मोहब्बत और खुदा वंदे आलम की मोहब्बत हो तो फिर उसमें किसी तरह कोई गंदगी नहीं आने देना चाहिए। जी मौलाना साहब, बड़ा ही खूबसूरत जवाब था। मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी फ़कीह या मर्जा को कबूल ना करे तो उसकी ज़िंदगी की शक्ल क्या होगी?
देखें, अगर कोई कबूल न करे, यहाँ पर सवाल अगर ये है कि वो मुसलमान है, शिया नाशरी है, मगर वो किसी मर्जे को तस्लीम नहीं करता है, मानता नहीं है। देखो, ना मानना दो तरीके से हो सकता है। वो इसलिए ना मानता हो कि खुद मर्जे है। अगर वो खुद मर्जा है और ख़ुद वो एक फ़कीह है, किसी दूसरे को नहीं मानता है, तो ये तो है हमारे यहाँ कि अगर वो खुद मर्जा है तो वो तकलीद नहीं करेगा किसी मर्जे की। वो खुद जब मर्जा है, ख़ुद मुज्तहिद है, तो अपने मसाइल के ऊपर वो अमल करेगा। अगर ये सूरत है कि किसी को नहीं मानता है इसलिए कि वो खुद मर्जा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत से मराज एजाम हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ गुजरे हैं और हैं, तो वो यकीनन अच्छे और हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए पहुँचने, लेकिन हर इंसान नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर। लेकिन एक मर्तबा ये है कि वो शिया है, अहले बैत का चाहने वाला है और बारह इमाम को मानने वाला है, इसके बावजूद वो किसी मुज्तहिद या किसी जामिउ शराइत की तकलीद करने को पसंद नहीं करता है, वो मुकल्लिद नहीं बनना चाहता है। तो यहाँ पर भी एक मुकल्लिद नंबर है। देखें, मसला यहाँ तकलीद का नहीं है, यहाँ असल मसला ये है कि इस्लाम के तमाम अहकाम दस्तूरात के ऊपर अमल करना है। हर मुसलमान, हर अहले बैत के चाहने वाले के लिए ज़रूरी है कि पैगंबर इस्लाम और अइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म को जैसे बयान किया है, नमाज, रोज़ा, हज, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अब अमल करने के दो तीन तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये है कि ख़ुद मुज्तहिद बन जाए, अमल करे, नहीं हो सकता है। दूसरा रास्ता उसके लिए एहतियात करे। एहतियात का मतलब ये है कि एक मसले में अगर वो दो फतवे, दो राय हैं, तो दोनों को जमा करे ताकि मुखालफत ना हो सके। ये हर एक के लिए मुमकिन नहीं है, ये भी नहीं कर सकता है कि हर जगह एहतियात करता जाए। तीसरा रास्ता बचता है कि भाई जो माहिर लोग हैं इस मैदान के, और उन लोगों ने मेहनत करके, जहमत उठा करके इन तमाम मसाइल को कुरान की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में और अक्ल सलीम की रोशनी में सब मसाइल को वाज़े कर दिया है और हमारे सामने पेश कर दिया है कि ये हराम है, ये हलाल है, नमाज ऐसे पढ़ी जाए, नमाज ऐसे बातिल हो जाएगी, रोज़ा ऐसे रखना चाहिए। जिन लोगों ने इस मैदान मेहनत किया, वो माहिर फ़न कहे जाते हैं, उनके मसाइल के ऊपर फिर उसको अमल करना चाहिए। इसी अमल करने को तकलीद कहते हैं, वरना तकलीद कोई और दूसरी चीज़ नहीं है। और जो लोग फ़कीह, मर्जे, मुज्तहिद, जामिउ शराइत को नहीं मानते, वो असल में ख़ुद इमाम ज़माना और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और दीगर मासूमीन अलैहिस्सलाम के कौल को तस्लीम नहीं करते। इसलिए कि खुद इमाम ने फरमाया कि चार नायब के बाद अब नायब ख़ास का सिलसिला बंद हो रहा है, अब शियों को चाहिए कि वो उसकी तरफ रुजू करें कि जो मुखालिफन लहवा और मुत्तकी, परहेजगार, जामिउ शराइत, मुज्तहिद है और हमारी रिवायतों के ऊपर नज़र रखने वाला है, उसकी तरफ रुजू करें। उसका हुक्म मेरा हुक्म होगा, और जिसने उसको तस्लीम किया उसने मुझे तस्लीम, और जिसने उसको रद्द किया गोया उसने मुझे रद्द किया है। तो इस तरीके से जो नहीं मानता, नहीं तस्लीम करता, वो मुनहरिफ है और गुमराह है। जी मौलाना साहब, तो जिन लोगों ने अब तक फकीह या मर्जा को अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं किया, आप उन्हें कोई नसीहत करना चाहेंगे? मैं ये नसीहत कर सकता हूँ मैं उनके लिए कि सबसे पहले वो इस सिलसिले में अपने जो करीब तरीन इलाके में कोई आलिम है उनके पास जाएं, गुफ्तगू करें, बात करें, अपने मसाइल को किसी न किसी जामे मुज्तहिद शराइत के हुक्म के मुताबिक जो है वो बनाएं। और मैं कहता हूँ एक बात इस सिलसिले में कि देखें, किसी जामे शराइत मुज्तहिद की तकलीद करना कोई ऐब नहीं है। आज भी अगर कोई इस दुनिया में कोई भी घर बनाना चाहता है, तो अगर वो नहीं बना सकता है तो किसी ऐसे इंजीनियर की तरफ रुजू करता है जो सिलसिले का जो है वो माहिर है। बीमार हो जाता है, ख़ुद इलाज नहीं करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर जानता है कि इसे कौन सी दवा देनी चाहिए। इसी तरीके से हम शरीयत के मसले में जाहिल हैं, नहीं जानते हैं, तो जो लोग आलिम हैं, जानते हैं, उन्होंने मेहनत किया है, तो हमें उसी तरह से उनके पास जा कर के अपने मसाइल को हल करना चाहिए। और कोई नसीहत इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ मैं? जी मौलाना साहब, तो कुरानी नुक्ते नज़र से आखिर अंबिया और आइमा अलैहिस्सलाम का तकर्रुर किसके हाथ में होता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत दकीक सवाल किया आपने, इसलिए कि ये आज
मुसलमानों के दरमियान जो है वो यही मेयार है गोया समझ लीजिए इख्तलाफ का, जो दो नज़रिया जो हमारे मुसलमानों के दरमियान पाया जाता है वो यही सवाल है जो आपने किया। मैं चाहता हूँ सिलसिले में सामीन इकराम से कि इसे गौर से सुने और तवज्जो से कि दो नज़रिया है आज के वफात पैगंबर के बाद जानशीन पैगंबर का इंतखाब। एक गरोह कहता है कि पैगंबर इस्लाम ने इसका कोई इंतज़ाम नहीं किया है, ये जिम्मेदारी उम्मत के ऊपर डाल दी है, उम्मत को जो है वो एक नज़रिया है। इसी के मुकाबिल में मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम शिया सनाशरी उसका नज़रिया है कि न सिर्फ ये कि पैगंबर इस्लाम ने वफात से पहले अपने बाद वाले का इंतज़ाम किया है, बल्कि क़यामत तक यानी आखिर तक के लिए जो आने वाला है उसका नाम भी बताया है पैगंबर इस्लाम ने। और देखें नबी का इंतज़ाम, नबी ने जिसका नाम बताया और जिसका इंतखाब किया, जिस इमाम को मुकर्रर किया है, मुअय्यन किया है, नबी ने अपनी तरफ से उसका नाम नहीं बताया है बल्कि खुदा के हुक्म से उसका नाम का ऐलान किया है, खुदा के हुक्म से मुअय्यन किया जाता है। अब रह गई बात कि खुदा के हुक्म से अगर मुअय्यन होता है तो इसका जिक्र कुरान करीम में कहाँ है और कुरान की किस आयत से हम इस बात को साबित कर सकते हैं, ये मसला है। देखें कुरान करीम में बहुत सी आयतें सिलसिले में पाई जाती हैं। सबसे पहले मशहूर मारूफ आयत जो सब मुसलमान जानते हैं जनाब आदम के सिलसिले में, खुदावंद आलम फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, सबसे पहला खलीफा जो इस ज़मीन के ऊपर बनाया गया वो किसने बनाया, वो खुदा ने बनाया है। परवरदगार आलम ऐलान करता है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूँ। और जनाब आदम अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया या किसी और ने इंतखाब नहीं, वो तो इंसानियत ही नहीं थी, इंसानियत तो जनाब आदम से शुरू हुई है, खुदावंद आलम ने खलीफा बनाने का इन्नी जाइलुन मैं करार देने वाला हूँ। उसके बाद जनाब इब्राहिम के सिलसिले में इरशाद होता है कि वह इब्तला इब्राहिम रब्बू बिकलमातिन फअतम्महुन्ना, कि जब परवरदगार आलम ने जनाब इब्राहिम को चंद कलमात के ज़रिए से आजमाया और उन्होंने मुकम्मल और पूरे आजमाइश में जब कामयाब हुए तो खुदावंद आलम ने कहा कि निजाइलो का लिन्ना से इमामा, मैं तुम्हें लोगों के लिए इमाम करार दे रहा हूँ, इमाम बनाने जा रहा हूँ। तो काला व मिन ज़ुर्रियती, तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी ज़ुर्रियत में, तो काला खुदावंद आलम ने फरमाया ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, मेरा ओहदा ज़ालिमों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखें खुदावंद आलम ने जनाब इब्राहिम सलाम से फरमाया इन्नी जाइलो का लिन्नास इमामा, मैं तुम्हें इमाम बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी परवरदगार आलम ने अपनी तरफ बनाने की निस्बत दी है, किसी और की तरफ नहीं। और दूसरी दलील ये जो मुहकम दलील इसी आय से ही, वो ये कि उसके बाद जनाब इब्राहिम ने क्या दरख्वास्त की, परवरदगार वमिन ज़ुर्रियती, इसे मेरी ज़ुर्रियत में करार दिया जाए, यानी इमाम बनाने को, इमाम के करार देने को मेरी ज़ुर्रियत में रखा जाए। अगर ये अख्तियार हर एक को होता तो जनाब इब्राहिम बना लेते, दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं थी। मगर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दरख्वास्त किया कि परवरदगार इसको मेरी उम्मत में भी, मेरी ज़ुर्रियत में करार दे। इसका मतलब ये है कि खुदावंद आलम के अख्तियार में है इमाम बनाना, नबी बनाना, खलीफा बनाना, किसी और के अख्तियार में नहीं है। या इसके अलावा दूसरी आयतें कुरान में हैं, इरशाद होता है कि वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, और हमने उन्हें इमाम करार दिया है, इमाम बनाया है, जो हमारे अम्र से हुक्म करते हैं, यहदूना हिदायत करते हैं, और हमारे हुक्म से जो है लोगों की रहनुमाई करते हैं, हम उनकी तरफ वही करते हैं, नमाज पढ़ कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, वकानू लना आबिदीन, और मेरे इबादत गुजार बंदे हैं। तो इमाम का तकर्रुर और इमाम का तायुन, इसी तरीके से नबी का भी तायुन, क्योंकि नबी को भी कोई दूसरा मुअय्यन करने वाला ना, खुदा भेजने वाला, नबी का तकर्रुर, खलीफा का तकर्रुर, इमाम का तायुन, ये सब के सब परवरदगार आलम करता है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर एक ऐसी शर्त ज़रूरी है कि जो किसी दूसरे के अंदर नहीं हो, दूसरा नहीं जान सकता। मसलन नबी के लिए, इमाम के लिए, खलीफा के लिए मासूम होना ज़रूरी है। अगर वो मासूम नहीं होगा
तो वो ख़ता कर सकता, लोग एतमाद नहीं करेंगे उसके ऊपर। और चूँकि आम इंसान नहीं जानता है किसी के बारे में कि ये मासूम हो सकता है नहीं हो सकता, इसलिए अल्लाह ताला के लिए तकर्रुर करना ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि जिसको भी आज तक अल्लाह ने, एक बात मैं अर्ज़ करूँ सिलसिले में आखिरी, वो ये कि आज तक जिसको अल्लाह ने तकर्रुर किया है, मुतय्यन किया है, मुय्यन किया है, उसमें किसी तरह का कोई नक्स और आयब आज तक नहीं निकला। लेकिन जिसको लोगों ने बनाया है, लोगों ने इंतखाब किया, लोगों ने चुना है, उसके अंदर बहुत सी खराबियां नज़र आई। यही वजह है कि लोगों ने बना लिया, हक नहीं था बनाने का, मगर जिसको अल्लाह ने बनाया है उसमें कोई ऐब नहीं निकला, इसलिए अल्लाह जानता है किसको बनाना चाहिए। ये कुरान की चंद आयतें थी जो। जी मौलाना, तो फितरी तौर पर ज़हूर मेहदी को किस तरह साबित कर सकते हैं? फितरी तौर से नहीं, मजहबी तौर से भी फितरी, तो खुदावंद आलम ने तो फितरत में इंतज़ार रखा ही है। लेकिन ये कि इस दौर में जिसकी बिना पर आज ये कायनात बाकी है, ये दुनिया बाकी है, ज़मीन बाकी है, वो इस दुनिया में है और हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसे हक मिले। आज दुनिया में हक हकदार को नहीं पहुँच रहा है, हर जालिम अपनी ताकत की बुनियाद पर हक को छीन रहा है, मजलूम को कोई जो है मदद करने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि इमाम अलैहिस्सलाम को ज़ुहूर ऐसे वक्त पे होगा कि वक्त मुय्यन नहीं किया गया, मगर ये इस तरह की जो है वो ताबीरें आई हैं कि इमाम महदी अज़्ज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को ज़ुहूर ऐसे वक्त पे कि दुनिया, इंसानियत जो है वो अदल के लिए प्यासी हो चुकी होगी, हर शख्स इंसाफ तलाश कर रहा होगा। तो उस वक्त जब वो आएंगे, तो जब उनके सामने अदल को पेश करेंगे और हर एक को हक दिया जाएगा, मिल जाएगा, तो सब राज़ी हो जाएंगे एक दूसरे से। तो आज हमारे लिए यकीनन एतिकाद में भी, फितरत में भी ये रखा गया है कि हम जो है वो एक ऐसी चीज़ का इंतज़ार करें जो हमारी भलाई के लिए है। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार यकीनन दीन के अहम तरीन कानून में से है और हुक्म में से है। जी मौलाना साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे सवालात के जवाब दिए, और ये उम्मीद भी करती हूँ कि नाज़रीन भी इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हो। अल्लाह ताला हम सब की तौफीकात में इजाफा करे और मज़ीद जो है वो अमल की तौफीक अता फरमाए। फातिमा, मैं उम्मीद करता हूँ जो आपके सवाल थे उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। तो आप यहाँ पर तशरीफ़ लाइए, हम चैनल विन की तरफ से टोकन ऑफ लव जो देना चाहते हैं आपको। मौलाना साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी आइए हमारे साथ यहाँ पर। मौलाना साहब, ये चैनल की तरफ से टोकन ऑफ लव है, जो एक मौका आप और आपके सवाल हैं जो यहाँ पे एंकरिंग के लिए आ रहे हैं उन्हें चैनल की तरफ से ये ट्रॉफी दी जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप फातिमा को ये दें। मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला को तौफीक। चलिए फातिमा, अब आपको टोकन ऑफ लव भी मिल गया है, ट्रॉफी भी मिल गई है, लेकिन आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप शायद पहले भी आ चुकी हैं चैनल में आ चुकी हैं, तो नाज़िन ये फातिमा का पहली दफ़ा नहीं था चैनल विन में आना, बल्कि आप हमारे नाज़िन को बताएंगे आप क्यों आई थी और आपने टॉप भी किया था? जी, उस वक्त मैं ऐसे कंपटीशन में आई थी जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर था। अच्छा, उसमें आपने टॉप भी किया था जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये दूसरा दौरा है जो विन के लिए आपने किया। जी हाँ नाज़िन, ये फातिमा थी जो नागपुर से आई, इनका ये दूसरा दौरा था, ऐसे कंपटीशन में इन्होंने टॉप भी किया था। लेकिन फातिमा, अब वक्त है कि हम अपने नाज़रीन से अलविदा कहें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक मौका के बारे में हमारे नाज़रीन से कुछ कहना चाहेंगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह मैंने अपने सवालात यहाँ भेज कर यहाँ आने का मौका हासिल किया, आप भी अपने सवालात यहाँ भेजिए और यहाँ आकर मौलाना साहब से खुद सवालात करने का और जवाब हासिल करने का मौका हासिल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ाया। मौलाना साहब, जाने का वक्त हो चला है क्योंकि वक्त की कमी भी हमारे पास, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप भी कुछ हमारे नाज़रीन से कहें कि जो लोग आना चाहते हैं इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम का क्या मकसद है, आप उनको अगर बेहतरीन तरीके से बताएं तो शायद मुमकिन होगा। इसका यकीनन मकसद तो यही है कि हर आदमी जो है वो चाहता है और इसमें जो कुछ भी वो देख रहा है, सबसे पहले तो ये कि खुद ज़ाती तौर से सवाल करके मुतमईन हो जाता है और इस तरीके से दूसरों को भी मौका मिलता है। दूसरे के फिर उसके अंदर जो इन तमाम चीज़ों के बारे में अहमियत बढ़ जाती है, और जब अहमियत बढ़ेगी तो उसके ऊपर अमल करने का जज्बा भी पैदा होगा। जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि हर एक को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और मैं दुआ करूंगा आपके लिए भी और नाज़रीन के लिए भी कि इस सिलसिले में अगर वो कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला कामयाबी अता करे इंशाल्लाह। बिल्कुल। मौलाना साहब, आपकी बात मुझे एक बहुत अच्छी लगी कि इंसान जब खुद आता है सवाल करने के लिए
तो वो कुछ और भी पूछना चाहता है और कुछ ऐसे दिमाग में जो सवाल उठते हैं वो भी पूछ लेता है सामने से। तो ये बहुत अहम जुमला था मोहन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से चैनल विन की तरफ से करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और फातिमा का जवाब यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ सिलसिले में और हम सब तौफीक कर परवरदिगार को तलब करता हूँ इंशाल्लाह। मौलाना साहब शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हुसैनी फातिमा का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उसके साथ साथ मौलाना सैयद कैसर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हुसैनी फातिमा के जो नागपुर से मुंबई आई थी एक मौका यानी आप और आपके सवाल में हिस्सा लेने के लिए उन्हें उनके सवालों के जवाब बेहतरीन तरीके से मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब ने दिया। अगर नाज़रीन आप भी चाहते हैं, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि ज़िंदगी चंद दिनों की होती है और इस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं और कुछ ऐसे पल होते हैं जो हम हमेशा कैद कर लिया करते हैं, अगर आप भी ये पल को कैद करना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम में एक मौका में हिस्सा लीजिए जहाँ आपके सवाल सीधे पूछेंगे आप खुद। हमें अपने सवाल आप ईमेल कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है emwin786@gmail.com। ज़्यादा मालूमात के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9619667578। दीन और आखिरत की ज़्यादा मालूमात के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।